अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के छपरा से। आपको बता दें, छपरा सारण जिला के खैरा थाना क्षेत्र के खोदाई बाग इलाके में एक मकान में जबरदस्त विस्फोट में घर मलबे में तब्दील हो गया। बीते दिनों भागलपुर में भी पटाखा बनाने वाले लोगों ने वहां विस्फोट हुई थी, जिसमें कई जाने भी गई थी और घर मलबे में तब्दील हो गया था। ठीक उसी तरह से मलबे में तब्दील हो गया पूरा घर। ब्लास्ट से पूरा इलाका थरथरा उठा। मलबे से प्रशासन ने एक महिला समेत 3 शवों को निकाला है। मलबे में अभी भी बच्चों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। 4 लोग घायल भी हुए हैं, सदर अस्पताल भेजा गया है इलाज हेतु। यह खुदाई बाग में टंकी ब्लास्ट हुआ, काफी घर बर्बाद हुआ है, पुल पे मस्जिद के पास, और काफी आदमी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुलाजिम मियां और रियाजुद्दीन मियां का घर है। बम ब्लास्ट कैसे हुआ, कैसे विस्फोट हुई, क्या हुआ, इसकी पुलिस पूरी छानबीन में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के छपरा जिले से आ रही है। सारण जिला के खैरा थाना क्षेत्र के खोदाई बाग इलाके में एक मकान में जबरदस्त विस्फोट के बाद घर मलबे में तब्दील हो गया। मलबे से प्रशासन ने एक महिला समेत 3 शवों को बरामद किया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस जांच अभी आरंभ है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोगों के और मलबे में दबे होने की आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के छपरा से आ रही है। बिहार से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा संबल बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। खबर को आप जितना देखते हैं उससे हमें नई खबर बनाने की ताकत मिलती है। हमारा विश्वास है कि यह चैनल आपका अपनी आवाज है और इसे अपना बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और इसे मैक्सिमम शेयर भी करें।